देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में कोरोना काल के दौरान शासन प्रशासन के निर्देशन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल एवं बस सेवाएं बंद कर दी गई थी, जहां लोगों की समस्याओं को देखते हुए सोशल डिस्टेंस पर आज बस सेवाएं शुरू कर दी गई है एवं बस सेवाएं शुरू होने पर यात्री एवं बस मालिक चालक परिचालक सहित सभी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जहां लोगों ने बताया कि बस सेवा शुरू होने पर यात्रा के दौरान अपने मंजिल तक पहुंचने में लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। वहीं बस कर्मचारियों द्वारा यात्रियों में निर्धारित रेट से ज्यादा पैसा वसूला किया जा रहा है एवं यात्रियों को बस टिकट भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जहां लोगों ने अपनी समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। वह इस संबंध में जानकारी देते हुए आरडीओ अनिमेश गढ़वाल ने बताया कि कोरोना काल के दौरान बस मालिकों को शासन द्वारा जारी आदेशों को पालन किया जाना चाहिए एवं सैनिटाइज करते हुए बसों को रवाना किया जाए, जहां बस सेवाएं शुरू होने से निश्चित तौर पर आम जनता में खुशी का माहौल है। वही बस मालिकों द्वारा किराए बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन शासन ने उनकी मांग पूरा नहीं किया एवं यात्रियों के द्वारा किराया वृद्धि एवं टिकट न देने की शिकायत पर जांच के बाद संबंधित लोगों ने विरोध कार्रवाई की जाएगी। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आने जाने में भी हम बहुत परेशान हैं, बस नहीं चलती है, कहीं बीमार हो गए, हमारे सदस्य बीमार हो गए, हॉस्पिटल पहुँचाने में बहुत परेशानी है, बस चलती हमको बड़ी तनाव है, तो बड़ी खुशी आ रही है मुख्यमंत्री को हमको अच्छी नहीं चलती थी, उसमें हम परेशानी थी, अब बस चलने लगे तो खुले जाने तो बस शुरू हुई है, मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं। काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, आने जाने में ज़्यादा परेशानी थी तो परेशानी दूर हो चुकी है, थोड़ा बहुत चलने से हमको सुविधाएं मिल रही हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। अब बस चालू हो गई है और अपने लोग मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे थे, ये बस के कारण पहुँचना शुरू हो गया और यहाँ के दुकानदारों को बहुत मददी थी, तो जो फीस थोड़ा बहुत चालू हो गया है धंधे वाली, उस कारण से मुख्यमंत्री को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रदेश, पूरे शहर, पूरे संभाग के लोगों में एक हर्ष का विषय बना हुआ है और सबसे अहम बात ये थी कि बस बंद होने से रोजगार भी प्रभावित था लोगों का, छोटे छोटे व्यापारियों का और जो समाज से जुड़े हुए हर तबके के व्यक्ति थे, बस एक जीवन का एक हिस्सा भी है, आने जाने के लिए लोगों का माध्यम भी है और इसके संचालन होने से ड्राइवर, कंडक्टर, जनता सभी को बहुत सारी सुविधाओं के साथ साथ आराम भी मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अभी आज से 3 दिन पहले समस्त मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटरों को ये सुविधा दी है कि इनका अगस्त माह तक का टैक्स माफ किया जाए कोरोना काल का और सितंबर माह में 50% टैक्स लिया जाए, इसके तारतम्य में बसों का संचालन धीरे धीरे करके शुरू किया गया है। कोविड-19 के कारण सभी बस ट्रेनें सभी बंद कर दी गई थी, लेकिन थोड़ा सा माहौल शांत होने के कारण आज से बस का आवागमन आरंभ किया गया है, जिसको लेकर उमरिया ज़िले के सभी वासियों पे, नगरवासियों और जिला वासियों पे बड़ी खुशी है और उत्साह का माहौल भी है, क्योंकि वो अपनी मंजिल तक अब पहुँच सकते हैं, जो अपने परिवार से थोड़ा दूर थे पहुँच नहीं सकते थे, जिनके पास साधन नहीं था, अब साधन होने के कारण वो अपने घर तक अपने फैमिली से मिल सकते हैं, अपने परिवारों से मिल सकते हैं। और एक चीज़ और था कि जैसे कि बस चलती हैं तो जो बस में जो पब्लिक जा रही है वो पब्लिक बस वाले ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो सरकार से मेरा आग्रह है और निवेदन भी है कि वो बस वालों को निर्देश जारी करें कि मतलब पब्लिकों से ज़्यादा पैसे ना वसूलें और साथ ही साथ उनको टिकट भी दे, जिस पे उनको संतुष्टि रहे कि हमको टिकट दी गई है और इसका इस यहाँ तक का इतने किलोमीटर का हमें इतना चार्ज देना है। ये सर बहुत अच्छी बात है जो आज से चालू हुई है, जनता को कम से कम आवागमन का साधन बना, कर्मचारी जो यहाँ वहाँ भाग रहे थे इतने 5-6 महीने से कोई काम धाम नहीं था, वो काम मिला कर्मचारियों को, खुशी का माहौल है जनता में कि आवागमन के साधन बने, जो ऑटो टैक्सी वाले उलपटांग किराया लेके जा रहे थे वो कम से कम यात्रियों को बसों में जो उचित किराया है वो देके आना जाना पड़ेगा,
उनको ये खुशी है कि चलो किराया कम लगेगा बसों में। कोविड काल के बाद जो बस सेवा बंद थी वो पुनः चालू हुई है। हम पूरे जो है जितने वाहन मालिक हैं, वाहन चालक हैं, प्लस ड्राइवर क्लीनर उनके जो भी कर्मचारी हैं, सबको धन्यवाद देती हूँ। पुनः उनका स्वागत करती हूँ कि वो सड़कों पर आए और हमें जो है आवागमन की सुविधा उन्होंने प्रदान की। पर एक गुजारिश ये है कि इस कोरोना काल से जो मनुष्य निपट के आया है तो यात्रियों से जेन्युइन यात्रा लें और उसके एवज में टिकट ज़रूर दें। ऐसा नहीं कि पैसा लेकर के टिकट ना दिया जाए, तो ऐसी लापरवाही और कम से कम फिलहाल मानवता के हिसाब से जो किराया बनता है वो लेते हुए, और आरटीओ विभाग से भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा इसकी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आया है कि इस पीरियड का लाभ उठा के कई वाहन चालक, चाहे टैक्सी वाले हों चाहे बस वाले हों, अन्य अनाधुंध पैसा लेते हैं यात्रियों से। तो मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि ना यात्री परेशान हो ना वाहन मालिक परेशान हो, दोनों में बढ़िया सामंजस्य बने और जिंदगी पुनः जो है इसी तरीके से गुलजार होकर तोड़ती रहे। धन्यवाद। हम शहडोल से आ रहे हैं और अभी कटनी जाएंगे, वाई बस से आए हैं, वाई बस कटनी जाएंगे। ये सरकार जो बीच में बस को बंद कर दिया था, इससे जनता राय राय मच गई, लोगों का हर काम बंद हो गया। छोटे मोटे लोग जो अपना रिश्तेदारी है, यात्रा है, जो कर लेते थे वो परेशान थे। आज ये बस चलने लगी तो लोगों की परेशानी दूर हो गई। इस परेशानी से जो अभी बस चलने लगी है, ये परेशानी जो हम लोगों की दूर हो रही है, इसके हम बहुत आभार माने सरकार के बहुत आभारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो बस आज से संचालित की गई, इसके लिए भारी खुशी की लहर समाज में है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा ये बस वालों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं और मास्क ज़रूर पहनें और इनसे अधिक किराया ना वसूलें। सरकार से भी आग्रह करूँगा कि इनको निर्देशित करें कि अधिक किराया वसूलने की प्रक्रिया को समाप्त करें, जो जितना जहाँ जिसका किराया लगता था वही किराए पर यात्री अपना यात्रा करें। और इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये समाज के उत्साह की बात तो ज़रूर है, आज 6 महीने से ये लॉकडाउन के चलते बस सेवाएं, रेल सेवाएं सभी समाप्त हैं, लेकिन अपने यहाँ एक चालू हो रही है, ये बड़े खुशी का विषय है। मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन। मालिकों द्वारा बहुत दिनों से हड़ताल की जा रही थी कि उनका टैक्स माफ़ किया जाए बस का, तो शासन द्वारा अप्रैल से लेकर अगस्त तक 5 महीने का टैक्स माफ़ किया गया और सितम्बर का 50% टैक्स माफ़ किया गया है। उसके पश्चात सभी बस मालिकों ने अपनी बस सेवाएं शुरू किए हैं और बस सेवाएं शासन की है अपील है कि कोरोना के द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइन है उसके परिपालन में किया जाए और बाकायदा सैनिटाइज़र और हर एक ट्रिप के बाद में बसों को सैनिटाइज किया जाना सुनिश्चित करके किया जाए। और बसों के चालू होने से आम जनता में निश्चित ही खुशी का माहौल है, क्योंकि मांग थी कि किराया वृद्धि की जाए, लेकिन शासन द्वारा उसको भी किराया वृद्धि को अप्रूव नहीं किया गया है। और ये जो शिकायत मिलती है कि बस वाले टिकट नहीं देते हैं, इसके द्वारा मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सभी बस को निर्धारित जो हमारे द्वारा निर्धारित किराया है उसके अनुसार बस का किराया वसूलेंगे, उसमें मैं कार्रवाई। देखिए, बस सेवा जो चालू हो गई है यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि क्या है, गरीबों को या और लोग भी गंतव्य स्थान की ओर जाते थे, कहीं भी आना जाना होता था तो वो कठिनाई होती थी, लोगों को गाड़ियाँ बुक करनी पड़ती थी, या बीमार होते थे तो उससे अधिक पैसा तो उनको गाड़ियाँ बुक करने में लग जाता था। तो कम से कम ये बहुत अच्छा सार्थक पहल हुआ। इसमें ये ज़रूर ध्यान दिखाया जाए, रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस सेवा में प्रवेश करके इसके सफर किए जाए, जो दूसरों का भी देखा जाए कि हाँ इनको भी बीमारियों से बचाया जा सके। और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करते हुए बहुत ही अच्छी है सराहनीय कार्य। मालिक मनमानी पैसा लेते हैं और बस की टिकट भी नहीं देते हैं, तो ये बहुत सोच का विषय है, ये गंभीर है, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है, कोरोना काल है, और ऐसे में अगर इस तरीके का करेंगे तो लोगों को बहुत असुविधा होगी। तो ऐसा ना करके टिकट भी दीजिए और कम पैसे लीजिए, कम से कम मानवता दिखाइए। लोग जाते हैं गंतव्य स्थान, अपने स्थान से कहीं भी जाएंगे तो उनको अच्छा से कर। मैं ये भी आरटीओ से भी ये बोलना चाहूँगा कि इसका गहन छानबीन देखते रहें और ऐसे लोगों को जो पैसा ज़्यादा ले रहे हैं ये कर रहे हैं, तो उचित कार्रवाई उनके खिलाफ़ भी करें।